Delhi BJP chief Manoj Tiwari's house came under attack by men who have been caught on the CCTV footage following a road rage. However, the Bharatiya Janata Party leader, who represents the northeast constituency of Delhi, was not present at his home at the time of the attack. Speaking about it, Manoj Tiwari said, "पहले दो लोगों ने अटैक किया हमारे कुक को जो दरवाजे पे ही खड़ा था उसको आते ही मारना शुरू किया फिर मेरा उसका नाम अशोक पाठक है फिर उसके बाद उसकी चीख पुकार सुन करके मेरा जो एक लड़का मेरे साथ काम करता है अभिनव वो बाहर आया फिर उसको भी उन लोगों ने मारना शुरू किया फिर अशोक पाठक जो कुक है वो अंदर भागा अभिनव को ये लोग वो लोग जो आए थे हमलावर वो खींच के कहीं बाहर ले गए और फिर लगभग 7-8 मिनट बाद वापस उसका कपड़ा उपड़ा फट गया था काफी उसको मारा सिर में चोटें आई फिर उसको लेकर के घर में घुसे हैं कि मनोज तिवारी को निकालो तो ये सारा सीसीटीवी फुटेज में सारे इंसिडेंट कैद हैं फिर उसके बाद वो सब अंदर आए और अंदर कमरे के मकान के अंदर घुसते ही जो हमारे दो लड़के थे वो तेजी से भाग के अंदर गए और उसको रॉड के साथ वो लोग आए थे जब दोबारा उसको आए तो हाथ में रॉड थे और मनोज तिवारी को निकालो गालियां वालियां भी बक रहे थे वो लोग तो उसके बाद अंदर घर में घुस करके उन लोगों ने उसको दोनों को मारने की और मुझे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो लड़के दोनों छुप गए फिर वो थोड़ी देर बाद जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वही गुंडे फिर 10-12 की शक्ल में घर के बाहर आते हैं घर घेरते हैं और 5-6 लोग हैं जो एक कांस्टेबल के साथ पूरे घर में घुस करके और हमारे बेडरूम तक जाने की कोशिश करते हैं कमरे कमरे खोज रहे हैं गालियां वालियां बक रहे हैं मैं घर में था नहीं और ये सारा छानबीन करने के बाद वो बाहर गए तब तक हम जहां थे मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया फिर पुलिस से ज्यादा फोर्स की मैंने डिमांड करी तो फिर दो गाड़ी आई उसके बाद उनमें से बाकी लोग भाग गए और 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए जो थाने में FIR भी हुई हमारे बच्चों का मेडिकल भी हुआ अकॉर्डिंग टू द पुलिस द इंसिडेंट अकर्ड अराउंड 1:15 AM फॉलोइंग अ कार एक्सीडेंट इन व्हिच वन ऑफ द तिवारीज स्टाफ मेंबर वाज इन्वॉल्वड द अरेस्टेड इंक्लूड जय कुमार 38 एंड हिज ब्रदर जसवंत सिंह 30 IANS रिपोर्ट